उमर टेली और सफ़ा दोनों लोकल टेररिस्ट है, दोनों श्रीनगर में ऑपरेट करता था। यहाँ बहुत सारे इंसिडेंट करने के बाद, सिविलियन किलिंग, ऑफ टारगेट किलिंग के बाद ये त्राल में भाग गया था, क्योंकि हम लोग उसको ट्रैक कर रहे थे। कल जब जो ही खबर मिला तो पुलिस ने आज रेड मारा और वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गया, उसमें एक टेररिस्ट मारा गया। फिर आर्मी को हम लोग बुलाए और इनकाउंटर में दोनों टेररिस्ट मारा गया है। तो एक से फेम एक जो सरपंच जो अपने समीर साहब थे खुनमू में, उसमें किलिंग था, ग्रेनेड थ्रो में किलिंग इन्वॉल्व था। तो सर क्या ये बिल्कुल बहुत सारे इनकाउंटर आप देखे होंगे कि एफटी पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया है। रिसेंटली जो सोपे में इनकाउंटर हुआ था उसमें लोकल टेररिस्ट मारा गया और पाकिस्तानी भाग गया। ये जो लोकल टेररिस्ट है इसको आगे रखता है और पीछे से अटैक करता है। बिल्कुल पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में दो इंसिडेंट हुआ जिसमें और सर दूसरे स्टेट के दो गरीब मजदूर थे जो यहाँ काम करते थे, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। बाकी जो शोपियन में एक कश्मीरी पंडित पर अटैक हुआ है, ये गांव बहुत रिमोट एरिया में था, उसको भी हम लोग बहुत उसमें लीड मिला है, काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। बहुत सारे गाँव में माउंटी पिकेट्स लगा हुआ है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ हम लोग पेट्रोलिंग पहले भी करते थे, अभी सिक्योरिटी फोर्स के साथ ज्वाइंट पेट्रोल बढ़ा दिए हैं। तो अब ये ज़्यादातर सॉफ्ट टारगेट जैसे बिल्कुल देखिए आप जैसा देखेंगे कि विंटर में दिसंबर से लेकर मार्च तक चार महीना में लगभग 66 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जेएस महमूद एलईटी के बाद सारे मारे गए, एफटी पाकिस्तानी बहुत मारे गए। इसे बौखला के ये लोग सॉफ्ट टारगेट को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। इस महीना भी हम लोग सक्सेस मिल रहा है, आज इस महीना अभी तक तीन टेररिस्ट मारे गए और दो तीन को अरेस्ट कर लिए हम लोग। हम लोग इस टाइम से सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर काम करते रहेंगे, सारे जितने टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे।